मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसका एक इंतहाई आसान क्वेश्चन समझते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। वो कुछ इस तरीके से कहते हैं कि इफ ए सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड बी सेट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 देन प्रूव डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि ये राइट और लेफ्ट साइड इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इस चीज़ को आपने इस साइड पर दोबारा लिखना होता है। ए इंटरसेक्शन बी को हमने दोबारा लिखा, अब हमने ए सेट की वैल्यू पुट करनी है। ए सेट बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 के बराबर है। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, फिर हमने बी सेट की वैल्यू लिखनी है। तो बी सेट किसके बराबर है, 2, 4, 6 और 8 के बराबर है। तो अब इंटरसेक्शन में हमें पता है हमने वो टर्म्स लेनी होती हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 2 दोनों में मौजूद है, इसी तरह 3 दोनों में मौजूद नहीं है, 4 दोनों में मौजूद है, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 6 दोनों में मौजूद है। तो इसका ये जो आंसर आएगा 2, 4 और 6 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर है, अगर इस जगह पर हम देखें, राइट हैंड साइड बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। तो इस जगह पर हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। इस चीज़ को दोबारा इस जगह पर लिखना होता है, बी इंटरसेक्शन ए आपने लिखा, उसके बाद बी की वैल्यू हमने लिखनी है। बी सेट किसके बराबर है जी, 2, 4, 6 और 8 के बराबर है। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर ए सेट। ए सेट किसके बराबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के बराबर है। अब इंटरसेक्शन में या तकाते में हमने वो टर्म्स लेनी होती हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो 2 इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 2 को लिख देंगे, 4 इधर है और इधर भी है, 4 को लिख देंगे, उसके बाद 6 इधर है और इधर है, 6 को लिख देंगे, 6 के बाद 8 इधर है लेकिन उधर नहीं है, इस वजह से 8 को नहीं लिखेंगे। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 2, 4 और 6 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम लिखेंगे फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें, दोनों की राइट साइड पर सेम जवाब आया, तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। उसके नीचे बेशक आप यूँ भी लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब आपकी मर्ज़ी है बेशक किसको ऊपर लिखें या इस चीज़ को ऊपर लिखा रहने दो, इन में से जिसको मर्ज़ी आप ऊपर लिख लें और जिसको मर्ज़ी नीचे लिख लें, और उसके बाद आपने ये लिख देना हैंस प्रूव्ड कि ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है, जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि प्रूव डैट के इस चीज़ को प्रूव करें। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि राइट साइड और लेफ्ट साइड इसकी इक्वल है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वो किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।